हेलो वेलकम नमस्कार आदाब आप सत शीकाल एक बार फिर से आ चुके हैं हम लाइव मैगौरव्यास आपका माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं वंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं मेक्स प्रैक्टिस मेक्स प्रैक्टिस की आज पांचवें नंबर की क्लास है डेडिकेटेड टू तो यूपी पुलिस और यूपी पुलिस की कौन से नंबर की क्लास है सेवेंटी नंबर की हमारे पास क्लास है पूरा का पूरा वही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल वही सारी की सारी चीजें लेकर आई जा रही हैं तो बेटा क्लासेस को थोड़ा सा सीरियसली लो है ना क्लासेस को सीरियसली लो क्योंकि इससे आपका फ्यूचर डिपेंड होने वाला है फ्यूचर डिसाइड होने वाला है चलिए फटाफट से क्लास को मार दो शेयर जिससे कि अभी भी जो भी आपके मित्र बंधुगढ़ सखा नहीं आए हैं वो भी इस क्लास से जुड़ जाए और भरपूर मात्रा में फ़ायदा उठा सके चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी है वो सारी की सारी आपको कहाँ पर दी जाती है टेलीग्राम पर दी जाती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल माई राइजिंग इंडिया को ज्वाइन कीजिए और क्लासेस की सारी अपडेट नई अपडेट पुरानी चीज़ें और साथ साथ में कहा जाए तो लिंक क्लासेस की जिससे कि आप सीधे क्लास में आ सके गुड मॉर्निंग मेरे लाल गुड मॉर्निंग इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन कौन सी है भैया माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन है है ना तो माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर डेडिकेटेड यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपको बैच दिया जा रहा है उस बैच में क्या-क्या चीजें हैं पीडीएफ के कांसेप्ट नोट्स लाइव क्लासेस YouTube की रिकॉर्डेड वीडियो YouTube के टॉपिक वाइज मोक टेस्ट और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट की फैसिलिटी आपको दी जा रही है तो इस बैच को लेना ना भूलें पूरा का पूरा मटेरियल आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा साथ साथ में ये आपके सामने यूपी पुलिस की टाइम टेबल है जिसमें कि सुबह सात से आठ बजे के बीच में जीके के जी की क्लास चलती है शाम को पाँच से छः बजे के बीच में मैथमेटिक्स की और शाम को सात से आठ बजे के बीच में आपके सामने पंकज सर रीजनिंग की क्लास को लेकर आते हैं अगर फिर भी कोई डाउट कोई समस्या कोई तनाव आपके जीवन में हो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है ना पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आपकी बिटिया आ गई बहुत बढ़िया बिटिया आ गई गुड मॉर्निंग मेरे लाल तो अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई दिक्कत हो जीके जी में कोई समस्या आ रही हो तो आप 9 से 10 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज ओ इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं और एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके एप्लीकेशन से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं जी सर नमस्कार नमस्कार सारे के सारे शेर आ गए फटाफट से चलो तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया जा रहा है चलो लाला फोड़ना तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर जी मैसेज नहीं कर सकती कोई बात नहीं है बेटा कोई दिक्कत नहीं है आप केवल पढ़ने पर ध्यान दो कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ही आया करो नहीं तो हम पढ़ने आए हैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए है ना चलिए बढ़ते हैं पहला शेर नहीं बाघ आए हैं बस सही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं लीजिए आपने बोला शेर नहीं बाघ आए हैं तो भैया बाघ से ही क्वेश्चन आ चुका है फोड़िएगा फोड़िएगा मेरे लाल फोड़िएगा क्या होगा इसका राइट आंसर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित नहीं है बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है डी बी क्या बात है लगे मारने तुक्का अरे लाला बी मारने से पहले ये सोच तो लेते कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बोल रहा है और गिरी तो गुजरात का क्या है हमारे पास बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और मैंने बताया था के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है लॉयन शेरों का संरक्षण किया जा रहा है हाँ कौन सा नहीं होगा ब्लैक बिल्कुल ब्लैक भी है यहाँ पर काले हिरणों का संरक्षण किया जाता है जो नहीं है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क कौन सा नहीं है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास एमपी और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है एमपी और सीजी में इसी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश में तो इसका नाम संजय गांधी ही है छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ में इसे कहते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्या कहते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है ठीक तो कौन सा नहीं है हमारे पास कौन सा नहीं होगा सी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा अब देखते हैं जैसे कि अगर बात कर लिया तो ए, यूपी में बात कर लिया तो यूपी में हमारे पास दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है कौन सा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है इसके अलावा अगर यूपी की बात कर लिया तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ जाता है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है है ना आ, तो ये हमारे पास क्या है यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल सेंचुरी साथ साथ में अगर बात कर ली जाए तो पीलीभीत ये सारे के सारे कहां पर देखने को मिलते हैं यूपी में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं क्लियर चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिल्कुल दुधवा लख्मीपुर खेरी में है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है अगला क्वेश्चन एबेल प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है फोड़िएगा एबेल प्राइस किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा मेरे शेयर एवेल प्राइस किस रीजन में किस क्षेत्र में दिया जाता है वेरी गुड बस सही किसमें दिया जाता है क्या बात है जियो मेरे लाल किसमें देते हैं हम मैथमेटिक्स में देते हैं में देते है. अभी 2022 का ये जो एवेल प्राइज हमें दिया गया है वो डेनेल डेनेल सुलीवान को दिया गया है किसे दिया गया है डेनेल सुलीवान को दो हजार बाईस का टू थाउजेंड का जो एवेल प्राइज हमें दिया गया है वो किसे दिया गया है डेनेस सुलीवान को दिया गया है बेसिकली ये यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट uh, हमारे पास देखने को मिलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन क्लियर बिल्कुल अच्छा डेनिस सुलिवॉन है अच्छा 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 डेनिल लिख दिया चलिए 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 इसे सुधार देता हूं डेनिस सुलिवॉन है माय मिस्टेक सुधार देते हैं डेनिस सुलिवॉन है, है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फोड़िय कौन सा जानवर आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है फोड़िएगा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा देखने को मिलता है हमने यूपी का देख लिया था उत्तर प्रदेश का कौन सा है हमारे पास यूपी का बारा सिंगा हुआ करता था बिल्कुल वेरी गुड बहुत सही कौन सा है आंध्र प्रदेश का हमारे पास ब्लैक बग देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश का कौन सा है ब्लैक बग हमारे पास नेशनल है वहीं पर यूपी का कौन सा था बारा सिंगा हुआ करता था अब बोला कि सर बाकी के भी तो हैं जैसे कि गौर है ठीक तो गौर हमारे पास किसका है गो से गौर गो से गोवा गौ से गौर गो से गोवा लॉयन है शेरों के लिए तो कौन सी क्षेत्र फेमस है बोला सर गिरी राष्ट्रीय उद्यान और गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है गुजरात में है ठीक तो शेर किसका राष्ट्रीय पशु हो जाए राजकीय पशु हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा इसके अलावा मिथुन मिथुन एक तरीके का कहा जाए तो भैंसा होता है मिथुन क्या होता है भैंसा होता है ठीक ये हमारे पास मिथुन वैसे राशि भी देखने को मिलती है ना हमारे पास तो मिथुन हमारे पास अरुणाचल प्रदेश का है किसका है अरुणाचल प्रदेश का है मिथुन क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर हाँ हाँ भैंसा ही होता है बाबू <laughs> पूछ रहे हैं सर मिथुन भैंसा होता है बिल्कुल मेरे लाल भैंसा ही होता है ओके <laughs> अगला चलते हैं एक सिंह वाला गेंडा आसम का है ओके चलिए <laughs> नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है हाँ इंटरनेशनल नर्स डे देखिए बेटा एक क्वेश्चन पक्का आता है इन डेज से तो इसको हमें कवर करके रखना है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे शेर बताइएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है कब मनाया जाता है ट्वेल्थ ऑफ मई को मनाया जाता है एक फीमेल हमें देखने को मिलती है जिनका नाम हुआ करता था नाइटेंगल नाइटेंगल फीमेल हमें देखने को मिलती है युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे उस टाइम पर तो उन्हीं की याद में हर साल क्योंकि इस 12 मई को इनका क्या था एंगल जी का बर्थडे था है ना क्या था जन्मदिवस था और उन्हीं के जन्मदिवस की याद में क्या किया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाया जाने लगा क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं सर जी मिक्स <laughs> प्रैक्टिस में ज्यादा मजा आता है क्वेश्चंस पढ़ने में बिल्कुल बेटा आता ही है एक क्वेश्चन यहां का दूसरा वहां का तीसरा वहां का तो उस दौरान बोरियत नहीं होती है एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन से है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बेगई बांध किस राज्य में स्थित है फोड़िएगा बेगई डैम के बारे में पूछा गया है बेगई डैम किस स्टेट में हमारे पास देखने को मिलता है फोड़ना तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा या कटक क्या बात है क्या बात है ए ए ए ए ए बहुत सही बेगई डैम हमें कहाँ देखने को मिलता है तमिलनाडु में देखने को मिलता है किसमें है तमिलनाडु में देखने को मिलता है अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के थैनी जिले में है ठीक थैनी जिले में किस नदी पर है व्यंगई रिवर पर देखने को मिलता है ठीक इस पर तमिलनाडु सरकार ने चावल ज्वार काला चना लोबिया और कपास सहित विभिन्न फसलों की खेती के लिए क्या बनाया है कृषि अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया ये कृषि अनुसंधान केंद्र किसका है तमिलनाडु सरकार का देखने को मिलता है ठीक इसी दौरान अगर कहा जाए तो चावल ज्वार काला चना लोबिया कपास ठीक यहां पर एक चीज और मुझे याद आ गई कि चावल का नाम आया है ना तो चावल अनुसंधान केंद्र हमारे पास कहां पर देखने को मिलता है उड़ीसा में कटक में ये भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है है ना कहां का यह पूछा जाता है बार बार पर भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो ईस्ट एशिया का दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूपी में है कहाँ का दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो कोई बताएगा क्या दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है मैंने हिंट आपको दे दी कि यह यूपी में है तो कहां पर है दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा कटक क्या बात है बताइएगा कोई यूपी में है दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र ओरिसा बोलते हैं बेटा यूपी यूपी बोल रहे हो यूपी, यूपी यूपी अरे मैं जगह के बारे में पूछ रहा हूं साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी ओ हो साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं उसे पता नहीं अरे बेटा ये वाराणसी में है बनारस में वाराणसी में बनारस में देखने को मिलता है जय हिंद मेरे लाल जय हिंद मथुरा में ना ना बेटा मथुरा तो केवल एक ही चीज के लिए फेमस है मथुरा रिफाइनरी और इसके अलावा अगर इस दुनिया से बाहर की बात की जाए तो भगवान कृष्ण के लिए फेमस है है ना तो यही चीजों के लिए फेमस है राधे कृष्ण राधे कृष्ण क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं लव यू बेटा लव यू आगे चलते हैं नेक्स्ट नेफ्यूरियो नेफ्यूरियो किस भारतीय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चलो बताइएगा नेफ्यूरियो किस स्टेट के आज प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलते हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहां के हैं नागालैंड के देखने को मिलते हैं तो नेफ्यूरियो कहाँ के हैं आज हमारे पास नागालैंड के देखने को मिलते हैं अच्छा कोई मुझे यह बताएगा कि नागालैंड की राजधानी क्या है नागालैंड की कैपिटल बताओगे कोई चलो कोई नहीं बता रहा बोला सर आप पढ़ाने आते हो आप ही बताओ ऐसी बात है ना क्योंकि सर आप पढ़ाने आते हो आप बताओ कौन सी है राजधानी इसकी कोहिमा देखने को मिलती है और राज्यपाल इसके कौन है हमारे पास जगदीश मुखी देखने को मिलते हैं यहाँ पर नागालैंड वाले क्षेत्र में अगर कहा जाए तो हमारे पास कुछ ट्राइबल कम्युनिटी भी देखने को मिलती है है ना जिनमें के नरमुंडो की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित देखने को मिलती है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर अगला गमगुल वन्यजीव जीव पक्षी कहां पर है चलिए फोड़िएगा गमगुल वन्य जीव पक्षी अभ्यारण सर बताया तो हां बेटा लेट बताया या फिर मुझ तक लेट पहुंचा चलिए गमगुल वन्यजीव पक्षी अभ्यारण कहां पर देखने को मिलता है

वेरी गुड बहुत सही वेरी गुड क्या बात है कहां पर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में अब देखिए यहां पर एक चीज में इसीलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया था कि पक्षी अभ्यारण के बारे में पूछा गया है तो भैया एक चीज और है कि बर्डमैन ऑफ द इंडिया या भारत के पक्षी मानुष के रूप में हम जानते हैं सलीम अली को किसे जानते हैं सलीम अली को और सलीम अली वन, वन्य जीव पक्षी अभ्यारण ये बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है ठीक ये हमारे पास कहाँ पर देखने को मिलता है गोवा में देखने को मिलता है साथ साथ में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कंफ्यूज हो जाते हो सलीम अली वन्यजीव पक्षी अभ्यारण गोवा गोवा में है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी है और यह राष्ट्रीय उद्यान कहां पर देखने को मिलता है यह राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में तो क्लियर है पक्षी अभ्यारण के बारे में पूछा गया तो बर्ड वर्ल्ड मैन मैन ऑफ द इंडिया इंडिया कौन कहलाते हैं हमारे पास सलीम अली जी कहलाते हैं और इन सलीम अली जी के ही याद में क्या बनाया गया है वलीम सलीम अली वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है जो गोवा में है और साथ साथ में अगर कहा जाए तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास कहाँ पर देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में एक चीज़ और जैसे बर्डमैन है ना तो इन्हीं की तर्ज पर जैसे इन्होंने पक्षियों की प्रोटेक्शन किया था वैसे ही आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी है ना तो उस मूवी में रेडिएशन के जरिए बताया गया था कि पक्षियों पर या फिर बर्ड्स पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मर रहे हैं बार बार पर तो वो मर रहे हैं बार बार पर तो उस दौरान क्या है उस मूवी का नाम हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सर जी 360 मंदिर के संदर्भ में समझाइए अच्छा रोबोट पॉइंट जीरो थी क्या बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छी बात है मूवियों में भी दिलचस्पी है क्या बात है जियो मेरे लाल मूवीज में भी खतरनाक गर्दा उड़ाते हो बोला सर मूवी से तो कुछ भी पूछ लो हम गर्दा उड़ा देंगे है ना चलो ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देना बैंक का मुख्यालय कहां पर है फोड़िएगा देना बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर हमें देखने को मिलता है हाँ, फोड़ो मेरे लाल देना बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है चेन्नई नई दिल्ली मुंबई या कोलकाता क्या बात है क्या बात है मुंबई में मुंबई में मुंबई में मुंबई में वेरी गुड वेरी गुड जियो मेरे लाल क्या है कुछ लोग नई दिल्ली भी पहुंच रहे हैं ना बेटा दिल्ली काहे पहुंच गए हाँ कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर हमारे पास मुंबई में देखने को मिलता है देना बैंक का हेडक्वार्टर इसके अलावा अगर कहा जाए तो मैंने ये कल भी बताया था आज भी फिर से लेकर आया हूँ बैंकिंग से एक क्वेश्चन आता है और इसी टाइप का कि इस बैंक का हेडक्वाटर कहाँ पर है भारत की पहली बैंक कौन सी थी पहली आ, भारतीयों के द्वारा निर्मित बैंक कौन सी थी पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सी थी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं तो देना बैंक की टैगलाइन क्या है हमारे पास ट्रस्टेड फैमिली बैंक स्थापित कब किया गया था इसे 1938 में किया गया था सीईओ वर्तमान में इसके हेड कौन है कर्णम शेखर देखने को मिलते हैं इसके अलावा भारत में स्थापित पहली बैंक के बारे में पूछ गया तो भारत में स्थापित पहली बैंक फर्स्ट बैंक ऑफ द इंडिया कौन सी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ना कौन सी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसमें के भारतीयों ने पहली बार काम किया तो भारतीयों के जरिए चालित यानी भारतीयों ने यहां पर वर्क किया था भारतीयों के जरिए चालित पहली बैंक कौन सी थी ये थी हमारे पास अवध कॉमर्शियल बैंक कौन सी थी अवध कॉमर्शियल बैंक और इसके अलावा अगला जो आ जाता है कि पूर्ण रूप से भारतीय बैंक तो पूरी तरीके से अब देखिए इसमें बोला गया कि भारतीयों के, के जलिए पहली बैंक जो कि चलाई गई थी उसमें वर्क किया गया था लेकिन उसमें वर्क करने के दौरान वर्क करने के दौरान अच्छा चलिए मैं उसे दिखवा लूंगा बेटा ओके उसे दिखवा लूंगा है ना हालांकि कोटला मैदान हमारे पास दिल्ली में ही है, है ना तो भारतीयों के जरिए चलित पूर्ण पहली बैंक कौन सी अवध कॉमर्शियल बैंक इसमें पूंजी विदेशियों की लगी थी जो एसिड लगा था जो कैपिटल लगा था वो फॉरेनर्स का था केवल इंडियंस इसमें वर्क करते थे वहीं पर अगला आ जाता है कि पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जिसमें के कैपिटल भी इंडियंस का था और वर्क भी इंडियंस करते थे वो कौन सी थी तो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक हमारे पास आ जाती है कौन सी जो कि कंगाली की कगार पर पहुंच गई थी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी है ना क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं <laughs> चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन उबर कप उबर कप किस खेल में दिया जाता है फोड़िएगा उबर कप ये क्वेश्चन अभी ही आया था देखिए खेल से कपों से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऊबर कप किस खेल में दिया जाता है वेरी गुड बहुत बढ़िया अरे इसको भी फुटबॉल में लेके गए अरे मेरे लाल कहां से कहाँ से फुटबॉल आ गया आपके पास उबर कप वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा हरिओम किस में दिया जाता है ये बैडमिंटन में दिया जाता है है ना तो किस में दिया जाता है ऊबर कप बैडमिंटन में दिया जाता है इसको स्थापित किया गया था नाइनटीन को कब उन्नीस में इसको स्थापना की गई थी कब 1957 में इसकी स्थापना की गई थी क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप दिया जाता है फुटबॉल में हमारे पास फीफा आ जाता है है ना तो इसकी स्थापना कब की गई थी 1957 में की गई थी और अभी मोस्ट रिसेंट जो चैंपियन हमें देखने को मिलता है नंबर का टाइटल उन्होंने जीता है वो चाइना ने अभी रिसेंट चैंपियन कौन है इसका वर्तमान चैंपियन कौन है इसका चीन देखने को मिलता है चाइना देखने को मिलता है क्लियर फिफ्टीन नंबर का इन्होंने टाइटल ये था था अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन अच्छा चलिए लिया गया है उबर कप महिलाओं के लिए विश्व चैंपियनशिप महिलाओं की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा लड़ी जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है तो उबर कप क्या है महिलाओं के लिए विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिता देखने को मिलती है क्लियर चलिए आगे चलते हैं चाइना बीट टू जापान क्या बात है जियो मेरे लाल बहुत सही अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला बली यात्रा बली यात्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है फोड़िएगा बली यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है वेरी गुड जियो मेरे लाल फोड़ो 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 वेरी गुड बहुत बढ़िया किसका है उड़ीसा का है उड़ीसा का है देखिए उड़ीसा में हमारे पास चावल होता है चावल वहां का प्रमुख हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ का मंदिर देखने को मिलता है पूरी जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है जहां पर चावल का भोग लगाया जाता है तो इसी दौरान यहाँ पर चावल फेस्टिवल के रूप में किसके रूप में चावल उत्सव के रूप में और उस चावल उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो कि एंशियंट टाइम से किस तरीके से इसको डेवलप किया गया क्या क्या प्रोसेस रही वो पूरी की पूरी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है बलि यात्रा कार्तिक पूर्णिमा पर कटक में आयोजित किया जाता है कहां पर कटक में आयोजित किया जाता है उड़ीसा में बोयता बंदना उत्सव कहते हैं इसे ठीक प्रमुख रूप से बोयता बंदना उत्सव कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला माना जाता है एशिया का सबसे बड़े खुले व्यापार मेले के रूप में इसे जाना जाता है क्लियर चलिए चिल्का लेक उड़ीसा में बिल्कुल बेटा देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं एक विद्यार्थी का मैंने कल कमेंट देखा था कल जो क्लास कराई थी उस पर बोला गया था कि सर टेस्ट में तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डाल देते हो वो चीज़ें क्लास में नहीं कराते हो तो बेटा कुछ चीज़ें रहती हैं जिनके कॉन्सेप्ट नहीं रहते हैं उन्हें क्वेश्चन से ही कवर कर सकते हैं है ना तो उस दौरान ये चीजें के कॉन्सेप्ट में नहीं कराई जा सकती हैं ये चीजें क्या है क्वेश्चन से ही कवर हो पाती हैं और क्वेश्चन से ही याद हो पाती है मैं एक साइड यहाँ पर क्लास में ले आऊं कि ये फलानी फलानी स्टेट है दूसरी साइड ये ये उत्सव मनाए जाते हैं तो वो एक याद करने रटने जैसी चीजें हो जाएंगी ठीक तो उस दौरान क्या है वो चीजें आप क्वेश्चन से ही कवर कर सकते हो एक विद्यार्थी था कल की क्लास का आ, एच एस एल एल का उसने बोला था कि सर बोनस मॉक टेस्ट में आप कुछ ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हो जो कि क्लास में नहीं कराए जाते हैं ठीक आपकी मेंटेलिटी को डेवलप करने के लिए होता है उस दौरान आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है कि आप राइट right आंसर पर पहुंच जाए और हर फैक्ट क्लास में बता पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन आपकी एक जनरल मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है और उस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हो दूसरी चीज आपको खुश होना चाहिए कि नहीं सर ने यह चीज़ बताने में मिस कर गए या ये चीज़ नहीं बताई लेकिन उसे क्वेश्चन के जरिए सर हमारे पास ले आए थे है ना तो उस चीज में आपको खुश होना चाहिए ना कि कमियां निकालनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है आपका दोष नहीं है उम्र का दोष है <laughs> चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्या है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है अगला क्वेश्चन फोड़िएगा वर्ल्ड फूड डे बताइएगा कब मनाया जाता है ये वेरी गुड बहुत सही कब मनाया जाता है सिक्सटींथ ऑफ अक्टूबर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जो कि इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि जैसे कि हमारे पास देखने को मिलता है कि दुनिया में सीमित मात्रा में उत्पादन होता है खाद्य फूड क्रॉप्स का खाद्य फसलों का सीमित मात्रा में उत्पादन होता है तो आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा कि उतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में तो उतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में से मतलब क्या है कि आपको खाने में उतना ही लेना है जिससे कि आपके जरिए दूसरे व्यक्तियों तक वो भोजन भी पहुंच सके नहीं तो आपके जरिए अगर खराब कर दिया जाएगा तो दूसरा आदमी उसको खा सकता था दूसरा आदमी उसका उपयोग कर सकता था जागरूकता फैलाने के लिए इन देश को मनाया जाता है इन देश को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है क्योंकि आप अगर किसी चीज को वेस्ट करते हो किसी नेचुरल कंपोजिशन को किसी प्राकृतिक चीज को अगर आप व्यर्थ करते हो तो उस दौरान कहीं ना कहीं वो दूसरे के हक की चीज मारी जा रही है जिससे दूसरे आदमी का पेट भर सकता था और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे इंडिया में स्लम बस्तियां देखने को मिलती है यूरो अफ्रीका पूरा का पूरा हमारे पास पिछड़ा हुआ क्षेत्र देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं आप उनका हक मार रहे हो है ना तो उस दौरान खाद खाने पीने की चीजों से संबंधित चीजों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है अगला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है चलिए फोड़िएगा क्या होगा इसका राइट आंसर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है फोड़िएगा वेरी गुड बहुत बढ़िया कहां पर है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है बोला सर ग्रेट हिमालयन हो गया पिन वैली हो गया इंद्र किला हो गया इसके अलावा खीरगना हो गया तो ये सारे के सारे हमारे पास कहां पर है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं जिसमें से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है ये ग्रेट हिमालयन क्या है सबसे बड़ा किसका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है अच्छा मुझे कोई ये बताएगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है बात आई है तो पूछ ही लेते हैं फोड़िएगा है क्या होगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है जिम कार्बेट मुझे पता था मुझे पता था जिम कार्बेट ही लगाओगे बेटा जिम कार्बेट नहीं पहले हुआ करता था आज वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क है कौन सा है हेमिस नेशनल पार्क आज भारत का सबसे बड़ा देखने को मिलता है ये कहाँ पर है लद्दाख में है ठीक कहाँ पर है लद्दाख में देखने को मिलता है भारत का सबसे बड़ा अच्छा सबसे छोटा भारत का सबसे बड़ा अच्छा सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है ये बताओगे सबसे छोटा सबसे छोटा है साउथ बेटन कौन सा है साउथ बेटन नेशनल पार्क है जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये कहां पर है अंडमान निकोबार में कहां पर अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है ये इंडिया का सबसे छोटा है तो ध्यान रखना सबसे बड़ा हेमेस और सबसे छोटा कौन सा है साउथ बेटर्न हमें देखने को मिलता है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कोलेरू झील भारत के किस राज्य में है क्या बात है कोलेरू लेक कहां पर है हाँ, चलिए फोड़िएगा कोलेरू लेक भारत के किस स्टेट में हमें देखने को मिलती है क्या बात है बहुत सही केरल ओ हो 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 क्या जियो मेरे लाल कहां पर है कोलेरू लेक हमारे पास आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है कहां पर देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है यह भारत की सबसे बड़ी झील है क्या है सबसे बड़ी झील के रूप में हमें देखने को मिलती है फ्रेश है ना क्लियर चलिए ये भारत की कोलेरूलेख क्या है सबसे बड़ी झील है अब अगर बात कर ली जाए तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की तो खारे पानी का हमारे पास देखने को मिलती है चिलका झील जो कहां पर है उड़ीसा में है और सबसे ज्यादा खारा पानी कहां का है तो खारे पानी की एक और देखने को मिलती है कहां पर सांभर झील सांभर झील जो कहां पर देखने को मिलती है राजस्थान में देखने को मिलती है क्लियर इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो फ्रेश वाटर लेक के बारे में तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखने को मिलती है बुलर लेक बूलर झील और ये बुलर झील कहाँ पर है हमारे पास जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है क्लियर और जो आप ठीक और इसके बाद अगर बात कर लिया तो वर्ल्ड के लेवल पर तो विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है यह है लेक सुपीरियर कौन सी लेक सुपीरियर देखने को मिलती है और यह कहां पर है यूएसए में है ठीक और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारे पास कौन सी देखने को मिलती है कैस्पियन सागर देखने को मिलता है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वेनेजुएला की मुद्रा क्या है चलिए फोड़िएगा वेनेजुएला की करेंसी हमें क्या देखने को मिलती है वेनेजुएला वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कौन सी है वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार है कौन सी है वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार देखने को मिलती है एक चीज और ध्यान रखना वेनेजुएला फेमस किस चीज के लिए है बेटा ये जो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है वेनेजुएला हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है इसके पास ठीक और लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज में ये आता है तो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व के लिए यह फेमस है किसके लिए ऑयल रिजर्व के लिए फेमस है और लीडिंग लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज में आता है लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज में देखने को मिलता है अच्छा इसकी कैपिटल भी दे दी है भैया इसकी कैपिटल क्या है कराकास देखने को मिलती है तो इसकी कैपिटल हमारे पास क्या देखने को मिलती है कराकास देखने को मिलती है क्लियर सर यहां घूमने जाना है एक बार बिल्कुल लाला जाओगे कौन सी बड़ी बात है पहले हम अपना एक लेवल तो बना ले पहले हम अपना एक लेवल बना ले अपना एक स्तर बना ले सोसाइटी में समाज में पैसे कमा लें उसके बाद खूब जाएंगे घूमने है ना चलिए अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है फोड़िएगा सबसे ज्यादा पेट्रोल यहां सस्ता है बिल्कुल सबसे ज्यादा पेट्रोल यहां पर सस्ता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके जरिए जारी की जाती है वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया किसके जारी जरिए जारी, जारी, जारी की जाती है ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए जारी की जाती है अगर इसका बात कर लेते हो तो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन विकास और समाधान नेटवर्क के जरिए ये जारी की जाती है इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हाल फिलहाल दो में जो भारत का स्थान है किसका भारत का जो स्थान है वो वन थर्टी सिक्स है और प्रथम स्थान पर फर्स्ट प्लेस पर कौन था प्रथम स्थान पर फिनलैंड था है ना कौन था फिनलैंड इसके फर्स्ट प्लेस पर था ये चीज़ें ये वो शो करती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि दुनिया में आदमियों के सबसे ज़्यादा खुश आदमी कहाँ के देखने को मिलते हैं तो भारत एक सौ स्थान पर है आदमी अपने आप में ही परेशान रहता है ओवरऑल कहा जाए तो बोला सर एक सौ स्थान पर है कितने देशों के बीच में है तो ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो वन फोर्टी देशों की रिपोर्ट जारी करता है तो एक में से भारत एक सौ स्थान पर है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन इंडियाज इंटरनेशनल बैंक फोड़िएगा इंडियाज इंटरनेशनल बैंक 139 नहीं बेटा 149 हाँ इंडियाज इंटरनेशनल बैंक किस बैंक की टैग लाइन है फोड़ो किस बैंक की टैग लाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया किसकी है बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हमें देखने को मिलती है बैंक ऑफ़ बड़ौदा की टैगलाइन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी क्या है बड़ौदरा में गुजरात में देखने को मिलता है कहाँ पर बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना की थी गायकवाड़ जो मराठा साम्राज्य देखने को मिलता है उनमें से गायकवाड़ साहब ने इसकी स्थापना की थी आ, है ना तो जब मराठाओं का विभाजन हुआ था मराठाओं का विघटन हुआ था तो गुजरात वाले क्षेत्र में मराठा सामंत स्थापित हुए थे उन्हें गायकवाड़ कहा जाता है तो उन्हीं ने बैंक ऑफ बड़ौदा को स्थापित किया था और स्थापना इसकी हुई थी 1908 में कब हुई थी 1908 में 1908 में इसे स्थापित किया गया था स्थापना हुई थी और किसने किया था मराठा सामंत कौन थे मराठा सामंत हमारे पास गायकवाड़ जी थे है ना गायकवाड़ क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं लेबनान की मुद्रा क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं बेटा है ना बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं फोड़िएगा लेबनान की करेंसी क्या देखने को मिलती है आरबीआई की टैगलाइन क्या है बेटा आरबीआई की टैगलाइन हमारे पास जो देखने को मिलती है टैगलाइन नहीं आरबीआई का एक स्लोगन है डेवलपिंग बैंकिंग ठीक आरबीआई की कोई टैगलाइन नहीं देखने को मिलती है उनका एक स्लोगन है हमारे पास जिसे कहा जाता है डेवलपिंग बैंकिंग और आरबीआई केवल और केवल भारत सरकार के लिए काम करता है आम जनता के लिए नहीं आम जनता को तो केवल और केवल उसके अंतर्गत आने वाली बैंकें ही वर्क करती हैं ये सारे के सारे भारत में जितने भी बैंक्स हैं उनको परमिशन देता है परमिशन देने के अलावा उन बैंक्स को रेगुलेट करता है उन बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करता है कि किस तरीके से वो बैंक स्टेब्लिश होंगे है ना आर की टैगलाइन पर पहुँच गए नामुन्ना आर ना, आरबीआई सरकार का बैंक है हमारे लिए तो ये जो नॉर्मल बैंक हैं वो ही देखने को मिलते हैं क्लियर चलिए अगला वेरी गुड तो लेबनान की करेंसी हमें क्या देखने को मिलती है क्या है इसकी पॉन्ड है है ना बेरूत पॉन्ड बिल्कुल बेरूत इसकी राजधानी देखने को मिलती है राष्ट्रपति इसके कौन है मिशेल ऑन्स है और प्रधानमंत्री कौन देखने को मिलते हैं नजीब मिरकाटिक मेकाटिक इसके प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं तो प्रेसिडेंट कौन है मिशेल ऑन्स है और प्र, प्रा प्राइम मिनिस्टर कौन देखने को मिलते हैं नजीब मेकाटिक देखने को मिलते हैं करेंसी देखिए बे लेबन कहाँ की है हमारे पास यूरोपियन कंट्री है तो यूरोप की कंट्री होने के दौरान इसकी करेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी करेंसी पोंड हो जाएगी ठीक अब पोंड और किसकी है है ना तो पोंड और किसकी है लेबनान पॉन्ड इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो इंडियन रुपीज है भगवान एक और आता है स्टर्लिंग पॉन्ड ठीक तो स्टर्लिंग पॉन्ड किसका देखने को मिलता है ब्रिटेन का देखने को मिलता है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला महाराणा प्रताप हवाई अड्डा फोड़िएगा इसको तो मैं करा ही चुका हूं पहले भी करा चुका हूं देखते हैं कितना बताते हैं फोड़ो लाल वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहाँ पर है राजस्थान में और राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिलता है ठीक महाराणा प्रताप एक महान रूलर रहे हैं हमारे पास इन्होंने अकबर से हल्दी घाटी का युद्ध किया था क्लियर चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं वीडियो रुक गया है किसने का वीडियो रुक गया है नाना मुन्ना वीडियो बराबर चल रहा है लगातार चल रहा है अगला डीम्ड ऑफ माय फादर नामक बुक के लेखक कौन है कौन सा ड्रीम्स ऑफ माय फादर मेरे पिता के सपने ठीक मेरे पिता के सपने पंद्रह में बिल्कुल पंद्रह में ही मेरे पिता के सपने ड्रीम्ड ऑफ माय फादर बुक के लेखक कौन है पोड़िएगा क्या होगा इसका राइट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> क्या <laughs> बात है कमेंट देख रहा था आपके तो एक बच्चा बोला कि सर हम लाल नहीं है गोरे हैं अरे मेरे शेर अरे मेरे लाल इंडिया के ही हो ना दूसरे गोले से या दूसरे कंट्री से तो नहीं हो इंडिया में कोई भी गोरा नहीं होता है सब सांवले होते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएंगे तो और ज्यादा वो ब्लैक होंगे गोरा कोई नहीं होता है इंडिया में है ना चलिए किसका है ये बराक ओबामा जी की बुक हमें देखने को मिलती है किसकी बराक ओबामा जी की बुक देखने को मिलती है इसका पूरा अगर बात की जाए तो इसका पूरा अगर देखें इसका पूरा नाम ड्रीमड ऑफ माय फादर अ स्टोरी ऑफ द रेस एंड इनहेरिटेंस इस बुक का पूरा नाम क्या है ड्रीमड ऑफ द माय ड्रीम ऑफ द ड्रीम ऑफ माय फादर ड्रीम फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस इस बुक का कंप्लीट नाम है ठीक चलिए नाइनटीन नाइन्टी फाइव uh, में उन्नीस सौ पंचानवे के दौरान इसे पब्लिश किया गया था क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं हुडो किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य देखने को मिलता है फोड़िएगा हाँ बताइएगा हुडो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है यूपी का है ओ हो 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 क्या बात है यूपी का है अरे मेरे लाल हुडो यूपी में मनाया जाता है अच्छी बात है लेकिन ये एक लोक नृत्य देखने को मिलता है कहाँ का गुजरात का देखने को मिलता है है ना तो हुडो जो डांस हमें देखने को मिलता है फोक डांस कहाँ का देखने को मिलता है गुजरात का देखने को मिलता है भारवाड़ वहाँ पर गुजरात में एक जनजाति देखने को मिलती है कौन सी भारवाड़ जनजाति देखने को मिलती है भारवाड़ ट्राइब देखने को मिलती है उसके जरिए मनाया जाता है इसमें क्या किया जाता है जो शिप होते हैं ना भेड़ होते हैं उनकी लड़ाई कराई जाती है तो क्या होता है भेड़ों की इसमें लड़ाई कराई जाती है भेड़ों का मुखौटा पहना जाता है भेड़ों का मुखौटा पहनकर उसको डांस किया जाता है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कूड़ो गुजरात का पारंपरिक नृत्य है गुजरात के चरवाहा समुदाय या भारवाड़ जनजाति के लोगों के जरिए किया जाता है चलिए लेकर भी लाए हैं ओके ओ एक गलत हो गया अरे कोई बात नहीं है यहां गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए हाय बेटा हाय बोलते सर हाय हाय अब हाय के भी दो मतलब निकलते हैं बोल रहे हो सर हाय यानी कि आप ग्रीटिंग कर रहे हो या फिर बोल रहे हो हाय सर मर गया मैं तो है ना तो दो मतलब निकलते हैं गरबा कहां का है गरबा भी हमारे पास गुजरात का देखने को ही मिलता है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉपेन हैगन की है वेरी गुड कहां की है कॉपेन है? हैगन डेनमार्क का डेनमार्क की करेंसी हमें देखने को मिलती है ओ डेनमार्क की करेंसी बोल रहा हूं डेनमार्क की राजधानी देखने को मिलती है अच्छा डेनमार्क की करेंसी क्या है कोई बताएगा क्रोन है तो इसकी करेंसी जब करेंसी का नाम ही आ गया है तो मुद्रा का नाम भी देख लिया जाए मुद्रा कौन सी है इसकी क्रोन देखने को मिलती है क्लियर मुद्रा क्रोन है और प्रधानमंत्री इसके क्या है मेटे सेन है। ठीक, क्लियर चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिस यू सर अरे लाला मैं जाता कहाँ हूं जा कहाँ रहा हूं इतना काहे मिस कर रहे हो क्या तनाव आ गया जीवन में के सर यू अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सैन्य अभ्यास काजिंद भारत के बीच किस देश के साथ आयोजित किया जाता है वेरी गुड फोड़िएगा जितेंद्र चौहान जी बोल रहे हैं सर काश मैं आपकी फैमिली में होता अरे लाला मेरी ही फैमिली के हो आप टीम आर एस सर की फैमिली के ही आप बालक हो है ना टीचर के लिए शिष्य उसका परिवार होता है तो इस तरीके से आप उदास मत हो के काश में आपकी फैमिली में होता ना ना मुन्ना आप मेरी फैमिली के ही सदस्य हो हाँ, बताइएगा सैन्य अभ्यास कौन सा है काजिंद किस देश के साथ मनाया जाता है किस देश के साथ इसको ट्रीट किया जाता है वेरी गुड बहुत बढ़िया किसके साथ कजाकिस्तान के साथ है ना तो सैन्य अभ्यास किसके साथ आयोजित किया गया था कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है चलिए फोड़िएगा इसका राइट आंसर क्या होगा इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है वेरी गुड बहुत बढ़िया कब मनाया जाता है तेईस जून को मनाया जाता है ओलंपिक अगर कहा जाए तो प्राचीन एथेंस में खेले जाने वाले हमें गेम देखने को मिलते हैं और इस गेम के जरिए क्या किया गया है पूरी दुनिया के देशों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश की गई है पांच रिंग इसमें दिखाई गई हैं जो अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करती हैं तो इस तरीके से पांच रिंग इसमें बताई गई हैं जो अलग अलग महाद्वीप को एशिया को यूरोप को अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया को है ना अफ्रीका को इन पांच अलग अलग महाद्वीपों को यह रिंग प्रदर्शित करती हैं और वर्ल्ड यूनिटी को एस्टेब्लिश करने का काम किया जाता है ओलंपिक गेम्स के जरिए क्लियर बत्तीस तारीख भी होती है हे भगवान बत्तीस तारीख मैंने तो नहीं सुनी पूछ रहे हो या बता रहे हो शायद कोई नया कैलेंडर डेवलप कर लिया होगा बत्तीस तारीख का मुझे तो जहाँ तक कैलेंडर पता है वो नॉर्मल ही पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारे पास चलता है है ना अच्छा हाँ ये अच्छी चीज बता दी जो हमारे पास कैलेंडर चलता है ना जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर ऐसे चर्चा करते करते नए नए वर्ड निकल आते हैं तो आधुनिक कैलेंडर है ठीक इसके अलावा भारत सरकार जिस कैलेंडर को यूज करती है तो भारत सरकार का कैलेंडर माना जाता है शक संबत। जो यूज करती है वो कौन सा करती है शक संबत का कैलेंडर यूज करती है और ये शक संबत की जो शुरुआत की गई थी वो कनिष्क के जरिए की गई थी 78 एट एडी में अठहत्तर एडी में कनिष्क के जरिए किसके जरिए कनिष्क के जरिए शक ईसवी की शुरुआत की गई थी शक संबद्ध की और कनिष्क कहां का शासक था कुषाण डायनेस्टी का था है ना क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं विक्रमादित्य अच्छा विक्रम के, विक्रम संबद्ध हिंदू कैलेंडर है विक्रम संबद क्या है हिंदू कैलेंडर है लाला है अट्ठावन ईसा पूर्व अगला <laughs> चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंडिया महाद्वीप नहीं है बेटा इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट है ना तो भारत क्या है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कुंभकोणम मंदिर कहां पर है फोड़िएगा कुंभकौणम मंदिर कहां पर स्थित है हाँ कुंभकौणम मंदिर कहां पर है वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुंभकोणम मंदिर जो देखने को मिलता है तमिलनाडु में देखने को मिलता है यह बाईस मंदिरों का समूह है किसका बाईस मंदिरों का हमें समूह देखने को मिलता है और सारे के सारे जो मंदिर हैं बाईस मंदिरों का यह क्या देखने को मिलता है समूह देखने को मिलता है और सारे के सारे मंदिर किससे हैं भगवान शिव को शैव धर्म से समर्पित देखने को मिलते हैं इसके अलावा एक और हमारे पास तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है मीनाक्षी टेम्पल मीनाक्षी मंदिर भी हमारे पास क्या है तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाता है मदुरई में क्लियर तो ये मीनाक्षी टेम्पल और साथ साथ में कहा जाए कुमकौणम मंदिर ये पूछ लिए जाते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन कवास थर्मल पावर स्टेशन फोड़िएगा कवास थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है फोड़ना तो मेरे लाल वेरी गुड ओ हो 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 क्या बात है महाराष्ट्र 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 जियो मेरे लाल ये जो देखने को मिलता है हमारे पास कवास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर देखने को मिलता है आ, ये देखने को मिलता है गुजरात में देखने को मिलता है इसे जो संचालित करता है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एन इसको रेगुलेट करने का काम करता है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय कहां पर है ये घर से करके लाना है होमवर्क में दिया जा रहा है हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इज लोकेटेड क्लियर इसके अलावा अगर बात की जाए माधोराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड किस राज्य में स्थित है ये आपको घर से करके लाना है नेक्स्ट क्वेश्चन होन्डू की राजधानी क्या है ठीक नाम ही पहली बार सुन रहे हो गए हौंडूरास. है ना तो हॉंडू की राजधानी क्या है यह घर से करके लाना है खेलों में कोचों के योगदान को मान्यता देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कोचों को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है यह करके लाना है और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण ये कहां पर है किस राज्य में है यह करके लाना है साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप आंसर दिया करो कि सर फलाने का ये होगा ढिकाने का ये होगा साथ साथ में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नौ से दस बजे के बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं और क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो के बाद कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि सर क्लासेस कैसी पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को करते हैं समाप्त कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए लेते हैं वेदा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम